रायपुर में परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ बस संचालकों की बैठक आज होने जा रही है। कल ये बैठक नहीं हो पाई थी। बस संचालक अपनी तीन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि लॉकडाउन की अवधि में आगामी 6 माह के लिए टैक्स माफ किया जाएगा, डीजल के अनुपात में किराया वृद्धि की जाएगी और नॉन यूज बसों को बिना टैक्स के खड़े रहने की अनुमति दी जाए। प्रदेश में राज्य सरकार ने बसों को चलाने की अनुमति पहले ही दे दी है, लेकिन लॉकडाउन और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बस संचालकों को घाटा हो रहा है, इसलिए आदेश के बावजूद प्रदेश में बसें नहीं चल रही हैं। अलीराजपुर के भाभरा में आप